लोग सब आ गए हो? हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारी झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। हरा भरा एक जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। उस जलाशय के पास रहते थे एक सियार और एक सारस पक्षी। सवेरे सवेरे समय काटने के लिए जा रहा हूँ सारस भाई से मिलने को। अरे सियार भाई, कैसे हो? क्या खबर है? मेरा तो वही है, तुम्हारी क्या खबर है? दिन निकला नहीं और खाने के लिए निकल जाना पड़ा। आह, काश कोई मुँह के सामने खाना ला देता। अच्छा, ये बात है। अरे आज दिन में चलो मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। लगता है आज इसके मजे लेने का दिन है। मजे लेते हैं। शाम हो गई, सारस पहुंच गया सियार के घर। सियार भाई, ओ सियार भाई, कहाँ हो? अरे आओ आओ, तुमको निमंत्रण देकर मैं खुद नहीं रहूंगा क्या? और बताओ सारस, कैसा दिन जा रहा है तुम्हारा? खूब खराब भी नहीं, खूब अच्छा भी नहीं, बस चल रहा है किसी तरह। हाँ बढ़िया है। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना निकाल कर आता हूँ, क्या कहती हो? सियार गया खाना निकालने। आओ आओ सारस भैया। खाने के पास सारस आकर देखता है एक पतले गोल थाली में पीला एक तरल पड़ा हुआ है। आओ सारस भैया, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। अब आप हमारे अतिथि हैं, तो सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। मेरी लंबी चोंच से ये खाना खा नहीं सकता, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। प्रयास करके भी सारस कुछ नहीं खा पाया। इधर सियार जम कर खा रहा था। सारस भाई, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बताना मुझे। और बोलो, खाने की तो व्यवस्था ही की नहीं, और पूछ रहे हैं और लोगे? सियार का खाना खत्म, सारस बस भूखा ही रह गया। ठीक से खाए हो ना सारस भाई? खाना बहुत अच्छा था, किंतु भैया कल मैंने मेरे घर पे दावत रखी है, मेरे भी घर पे आके खाना खाना होगा। अरे कल ही क्यों, बाद में भी तो हो सकता है ना? ना ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, इतनी बार बोल रही हो तो चल आऊंगा मैं। तब मैं चलता हूँ भैया, गुड नाइट। दूसरे दिन बड़ी खुशी से सियार दावत के लिए सारस के घर पहुँचा। सारस भैया। अरे क्या सौभाग्य है मेरा, आओ भैया अंदर आओ। और बाकी सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ भैया सब ठीक है। तुम्हारे घर का मौसम बहुत ही ठंडा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ इसीलिए तो खुले आसमान में पेड़ के नीचे दावत की अच्छे से व्यवस्था की है। बहुत अच्छे। आओ भैया आप बैठ जाओ। सियार ने देखा पेड़ के नीचे दो लंबी सुराई में खाना रखा था। लो भैया शुरू करो। शुरू करते हैं। हाँ इस शुभ काम में देरी क्यों? सियार खाने का प्रयास करने लगा, किंतु घड़े के अंदर तक उसका मुंह नहीं पहुंच पाया। खाने की खुशबू से सियार की भूख और बढ़ गई, किंतु वो कुछ नहीं खा पाया। पर सारस सुराई के अंदर अपनी लंबी चोंच से खाना खाता रहा। भैया और थोड़ा लो ना। पागल हो क्या, पेट भर गया मेरा। आज तो लगता है कि भूखे ही जाना पड़ेगा। खाना अच्छा था भैया? बहुत अच्छा था। तुम्हारा पेट भर गया ना भैया? एकदम भर गया। आपको खाना खिला के खुशी मिली, फिर आना होगा आपको। अरे
आज की पार्टी तो इतनी मजेदार हो गई है, अगली बार का सोच के बताता हूँ। आप मेरे घर आने से मैं धन्य हो गया। ठीक है भैया। ओके देन, बाय। गुड बाय।